हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सही, अभी जो मेरे सामने देख रहे हो ये है अपनी जॉन्टिस की 350R। सो ये जो इसका ब्लैक कलर है, इसमें जो है ना और भी कलर्स आते हैं, टोटल तीन कलर्स आते हैं इसमें। एक जो है ब्लैक कलर, एक ब्लू है, एंड एक जो आपको व्हाइट व्हाइट सा कलर जिसमें देखने को मिल जाएगा। तो टोटल जो है तीन कलर है, एंड 376,000 से जो इसकी ऑन रोड प्राइस स्टार्ट होती है, एंड 387,000 में आपको ये जो है टॉप एंड वेरियंट या फिर बोलो आप कलर का जो है डिफरेंस आपको मिलता है। तो ये जो ब्लैक कलर है ना, ये ऑन रोड है गुड़गांव में 387,000 का, 387,000 का ऑन रोड आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले की से। तो ये जो ना बैंड है फिलहाल, इसको आप हाथ में पहन सकते हो। उसके बाद जो आप की को लाइक जो है आपको की लगाने की कहीं पे जरूरत नहीं है, आप स्टार्ट कर पाओगे डायरेक्ट। कीलेस एंट्री की तरह जो है काम करती है, एंड इसको आप निकाल भी सकते हो। तो ये जो इसकी की है वह जो है कीलेस एंट्री आपको मिलती है बाइक में। तो सबसे पहले की आपने देखी, अभी जो है ना ऑन ही कर लेते हैं इसके। लाइक यहाँ पर जो है मैं की को लगा लेता हूँ और कुछ नहीं करना है, रेड बटन आपको प्रेस करना है एंड जो बाइक है वो ऑन हो जाएगी। सो सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लोग चेक करो जो इसका डिज़ाइन है ना, फ्रंट चीज डिज़ाइन जो वो काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन है, देखने में लाइक लगती है कि भाई कोई मॉन्स्टर लुक जैसा जो है आपको लगेगा इसका फ्रंट। और यहाँ पर जो है DRLs आपको मिलती है एक एंड दो, और बीच में जो है ना आपको ये मेन हेडलाइट मिलती है। हाई बीम लो बीम दोनों इसके अंदर ही है। यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं ऑन करके, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी हैजार्ड का जो है ना फीचर आपको इसके अंदर मिलता है। तो जो चारों इंडिकेटर है ना वो अपने ऑन हो चुके हैं, और यहाँ पे प्योर LED इंडिकेटर आपको मिलेंगे। साइड काउल जो है ना वो भी काफ़ी स्पोर्टी लुक इसको देता है, नेकेड स्ट्रीट फाइटर आप इसको बोल सकते हो। 350cc में जो है ना अभी तक आपने इंडिया में ऐसी बाइक नहीं देखी होगी, क्योंकि जो देखने में ना काफ़ी ज़बरदस्त लुक्स के साथ में आती है। आगे USD सस्पेंशन है, फ्रंट में जो है 120 सेक्शन का टायर है, और जो व्हील्स है ना वो डायमंड कट आपको मिलते हैं। ड्यूअल चैनल ABS है। यहाँ पे जो है काफ़ी बड़े जो है इसमें ब्रेक कैलिपर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो है साइड में रिफ्लेक्टर आपको मिल जाते हैं, और जो टायर का साइज़ है मैंने बताया 120 सेक्शन का आपको टायर साइज़ मिलता है। ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और जो इनकी कंपनी है टायर वगैरह की वो जो है कुछ डिफरेंट है, जो कि नॉर्मली आपको इंडिया में जो है देखने को नहीं मिलती है। तो वो जो आप लोग देख लेना जब आप लाइक विजिट करो शोरूम्स में, तब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत आपको ये टायर कंपनी वगैरह, ब्रेक कंपनी वगैरह जो है डिफरेंस जो है नज़र आएगा। ABS की यहाँ पे स्टिकरिंग है, ठीक है। साइड में आऊँ तो यहाँ पे अपने को इंडिकेटर, और जो पूरा जो है ये 15 लीटर का टैंक आपको दिखेगा। एंड साइड जो काउल है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है, देखने में जो है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी आ जाते हैं मेन अपना इंजन। तो ये है 350cc का इंजन जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है, एंड 38 PS के अराउंड जो है पावर देता है। 32 Nm के अराउंड जो है, 32 Nm के अराउंड जो है आपको ये टॉर्क देगा। 6-speed का गेयरबॉक्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, और परफॉर्मेंस बाइक जो है ये आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें पावर वगैरह काफ़ी सही है। और इसको जो चलाने का मजा है वो भी एक नेक्स्ट लेवल है। 162 के करीब जो इसकी टॉप स्पीड है। यहाँ पे जो इंजन कावल आप देख सकते हो काफ़ी स्पोर्टी सा, काफ़ी चौड़ा सा जो है दिया गया है। एंड साइड में आओगे तो यहाँ पे जो है R350 की स्टिकरिंग है। ये अपना टैंक है, टैंक के ऊपर जॉन्टिस की आपको जो है ब्रांडिंग मिलेगी। काफ़ी छोटे जो है फुटरेस्ट है। ये रियर ब्रेकिंग है, ये अपना पूरा इंजन का कंपार्टमेंट है। रियर ब्रेक ऑयल है। ड्यूअल बैरल एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, और ये जो है पीछे वाला इसका अपना फुटरेस्ट है। सीट के बारे में बताऊँ तो सिंगल सीट है, बट आपको ड्यूअल सीट वाली जो है फिनिश मिलती है, क्योंकि ये जो सीट है काफ़ी तो प्रीमियम है, और जो इसका कुशनिंग है वो सॉफ्ट है। तो यहाँ पे जो है साइड पैनल्स भी आपको कुछ इस तरीके से दिखते हैं। जो पीछे की टेल लाइट है वो भी काफ़ी खूबसूरत इसमें मिलती है आपको, और देखने में जो है काफ़ी बढ़िया लग रही है। एग्जॉस्ट भी जो है काफ़ी ज़बरदस्त लुक्स देते हैं डुकाटी की बाइक्स की तरह। यहाँ पे अपने को पीछे ड्यूअल चैनल ABS मिलेगा, लाइक पीछे भी ABS है आगे भी, और 160 सेक्शन का टायर आपको मिलता है यहाँ पे। तो काफ़ी चौड़ा टायर है, और एल्यूमिनियम का पूरा स्विंग आर्म है। नीचे जो है आपको पूरा अंडरवेली एग्जॉस्ट की तरह जो है वो पूरी बेली जो है नीचे नज़र आती है। यहाँ पे जो है R350 अगेन जो है लाइक नंबर प्लेट यहाँ पे लगाई इन्होंने। पीछे जो इंडिकेटर है वो कुछ इस तरीके से है, LED इंडिकेटर है, LED लाइट है नंबर प्लेट के लिए। टायर अगर जो है यहाँ पे पूरा यूज़ किया गया है इसकी नंबर प्लेट को होल्ड करने के लिए। और इस साइड में आऊँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे जो चेन है उसके ऊपर सिर्फ ये कवर किया गया है हल्का सा, ठीक है। जो स्विंग आर्म है पूरा वो अपने को दिख रहा है, एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म है, वो काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। पीछे आपको जो है ये वाइट कलर का मोनोशॉक सस्पेंशन है, एंड अगेन जो है फुटरेस्ट वगैरह, साइड स्टैंड आपको इसमें मिलता है, सेंटर स्टैंड वगैरह नहीं आता इन सब बाइक्स में। तो अभी आप लोगों को मेन फीचर्स इसके दिखाता हूँ कि मेन जो है आपको क्या फीचर्स इस बाइक में मिलते हैं। सबसे पहले ये जो इसकी टैंक कैप है जो कि ओपन होती है भाई इस फ्यूल वाले बटन से, तो ये हो गई ओपन। सीट जो है ना वो भी ओपन होती है इस सीट के बटन से, तो ये देखो सीट भी जो है अभी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। स्पेस वगैरह ना के बराबर है,
और फिर जो आप इसको क्लोज भी कर सकते हो इजीली। बाकी जो अभी मीटर के बारे में बात करूँ तो पूरी TFT डिस्प्ले आपको इसमें मिलती है, एंड जो की है वो यहाँ पर है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। तो ये आपको बेसिक सी की आपको इसमें मिल जाएगी, बेसिक तो नहीं है क्योंकि किलेस एंट्री है, काफ़ी एडवांस। इसके बारे में बात करें तो ये जो इसकी हाई बीम है जो ये देख सकते हो, हाई बीम लो बीम इधर है, वो पासिंग लाइट मैंने आपको दिखाई अभी, हैजार्ड का बटन है, एंड ये सेट और मोड इसके मीटर के लिए है, दो बटन, ये इंडिकेटर का है, सिंगल हॉर्न है, या लाइक जो है सेल्फ के लिए आप बोल सकते हो, इग्निशन का बटन दिया गया है, इको मोड यहाँ पे दिया गया है, ये हेडलैम्प के लिए जो है यहाँ पे बटन दिया गया है, नीचे जो है सेल्फ का बटन आपको मिल जाता है। तो फिलहाल जो बाइक न्यूट्रल है, एक बार मैं स्टार्ट करके दिखा सकता हूँ, तो उससे पहले जो है ये क्लच जो है प्रेस करनी पड़ेगी। सो जो साउंड है वो सिंगल सिलेंडर के हिसाब से जो है काफ़ी बढ़िया निकालती है बाइक। और यहाँ पे जो है अभी आप लोग देखो ये पूरा कंसोल, इसका कंसोल में जो है ना आपको नज़र आएंगे सारे फीचर्स वगैरह इसके। सबसे पहले यहाँ पे ये थीम जो है ना, इनको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे सेट पे जैसे ही जाओगे ना तो यहाँ आप थीम्स जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप एक सेकेंड, ये कौन सी लैंग्वेज आ गई आई डोंट नो, तो ये देखो थीम्स वगैरह कुछ इस तरीके से हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना ये लैंग्वेज जो अपन ने कर लिया वापस से सेट, ठीक है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें, जैसे सबसे ऊपर जो है थीम है जो कि इसके नीचे जो है ढका हुआ है, ठीक है, ये TPMS वगैरह है यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन वगैरह, एग्जिट नीचे है सबसे, इजी कनेक्ट पे जैसे आप करते हो ना तो यहाँ पे क्या है आपको कारबिट एप्लीकेशन डालनी अपने फ़ोन में, उसके बाद आपका जो फ़ोन है ना वो इसमें जो है मिरर हो जाएगा, एंड जो फ़ोन है वो पूरा इसके अंदर दिखेगा, आप लोग नेविगेशन वगैरह भी जो इसमें देख पाओगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्कैनर दिए गए, स्कैन करो इसको, एंड उसके बाद आप लोग स्कैन लाइक जो है वो कर सकते हो इसको कनेक्ट। फिलहाल जो एंड्रॉयड पे है, एंड अभी जो है ये है एप्पल पे, तो आप लोग जो है दोनों में ही इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी प्रैक्टिकल फीचर जो है मेरे को लगा ये, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से जो आप इसको यूज़ कर पाओगे, उसके अलावा जो है और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलेगी। लाइक अभी जो है मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे एग्जिट किया यहाँ पे सबसे ऊपर RPM मीटर है, ठीक है, यहाँ इंडिकेटर जल रहे हैं तो वो यहाँ पे ब्लिंक दिखा रहा है, ABS की लाइट है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रल गियर इंडिकेटर जो यहाँ पे दिखा रहा है, फ्यूल मीटर, टेम्परेचर मीटर, ये नीचे ओडोमीटर वगैरह और टायर प्रेशर वगैरह भी जिसमें शो करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इसके अंदर आपको मिल जाती है देखने के लिए। और जो हैंडल बार अपना नॉर्मल सा ही रखा गया है, ये जो साइड मिरर्स हैं इनका जो व्यू है वो भी काफ़ी सही दिया गया है, तो कुछ इस तरीके के जो है इसके मिरर्स हैं। बाकी ये जो सिस्टम है ना ये काफ़ी बढ़िया लगा, सिर्फ बटन दबाना है कुछ इस तरीके से, एंड ये हो जाता है कुछ इस तरीके से ओपन। तो कैसी लगी आपको 350R मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, क्या कुछ प्राइस है क्या कुछ नहीं, तो वो आप लोगों ने देख ली होगी। और ये जो अपना शोरूम है भाई, ये गुड़गांव में है, कीवे बनेली, जो कि सोना रोड पे है, यामा का शोरूम है जस्ट आगे, सिद्धार्थ यामा, उससे जस्ट पहले जो है आपको ये शोरूम इनका देखने को मिलेगा। तो आप लोग यदि गुड़गांव से हो कोई और आपको खरीदनी है गुड़गांव, तो आप लोग जो है यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अमित भाई का जो है नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, स्क्रीन पे नंबर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी बाइक्स इनके पास, मोटो मोरनी की, क्यूजे मोटर की, जोंटिस की, एंड इसके ऊपर जो एक और फ्लोर है वहाँ पे जो आपको बिनेली कीवे वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो शोरूम जो है खुल चुका है अपना भाई गुड़गांव में, आप लोग जो है जल्दी से आओ, विजिट करो एंड चेकआउट करो, यहाँ पे काफ़ी सारी बाइक जो इनके पास है। प्राइस मैंने आपको बताई दी है ऑन रोड, 3,87,000 जो इसकी ऑन रोड प्राइस है गुड़गांव में। तो चलिए यार, यही था कुछ आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस।